अब इस CO2 को कोई कंज्यूम करने वाला है ही नहीं, तो रात में यही घोस्ट बन करके क्या करता है, CO2 बचा ही रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि CO2 रात में रिलीज होता है और इट इज ट्रू। हाय हेलो, वेलकम यू ऑल इन YouTube बायोलॉजी वाला। सो गाइस, दिस इज अ टाइप ऑफ डाउट सेशन यू कैन से, ओके। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व अ डाउट ऑफ अ पर्सन नेम मनीष कुमार, ठीक ना। इन्होंने मेरे एक आई थिंक किराना प्रतिष्ठा वाले वीडियो पे कमेंट किया था कि व्हाई CO2 रिलीजेस एट नाइट, मतलब कि कैसे, मतलब स्पेसिफिक प्लांट्स में कुछ रात में क्यों CO2 रिलीज होता है। तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा आप सभी को जान करके, ठीक ना। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना भी मत भूलेगा, ठीक ना। उसके बाद चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। तो देखिए, इस प्रोसेस को हम समझेंगे दो पार्ट में, ठीक। दो पार्ट में हम इसको समझेंगे, डे एंड नाइट के फॉर्म में, ठीक ना, डे एंड नाइट के फॉर्म में समझेंगे, ठीक। अब देखिए, डे में क्या होता है, आप सभी को दो प्रोसेस समझ में आना चाहिए। एक तो होता है आपका रेस्पिरेशन, एक होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक ना। तो रेस्पिरेशन जो प्लांट के सेल में भी होता है और एनिमल के सेल में भी होता है, आप सभी को इतना पता है, 9th में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस होता है वो खाली प्लांट में होता है, क्योंकि फोटो मतलब लाइट की जो वहाँ पे जरूरत होती है, तो खाली प्लांट ही वो कर सकता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि देखिए, दिन में सबसे पहले प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक ना। तो फोटोसिंथेसिस में आप सभी को पता होगा, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट, मतलब कि प्लांट क्या करता है, एटमॉस्फेयर से CO2 लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, और इस प्रोसेस में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक ना। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, बेसिकली प्लांट लेता है CO2, ठीक ना, प्लांट लेता है CO2 किसके रूप में, एज अ रॉ मटेरियल लेता है। उसके बाद बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या देता है, O2 देता है। अब आपको नहीं पता रॉ मटेरियल क्या होता है, तो आपको बता दूं, रॉ मटेरियल ऐसा चीज़ होता है जो प्लांट के पास खुद नहीं होता, वो लेता है बाहर से, और बाय प्रोडक्ट मतलब कि उस प्रोसेस के दौरान जो बाद में प्रोडक्ट के रूप में निकलता है वही होता है हमारा बाय प्रोडक्ट, ठीक ना। तो फोटोसिंथेसिस के बाद क्या निकलता है, O2 निकलता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, अब मैंने बताया था कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी होता है और प्लस रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक ना, आपको शायद अभी नहीं बताया था। तो आप जान लीजिए कि प्लांट में दो दो प्रोसेस होते रहते हैं, ठीक ना, दिन में, खाली दिन में कह रहा हूँ, दिन में प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी हो रहा होता है और रेस्पिरेशन भी हो रहा था, क्या हो रहा था, और रेस्पिरेशन, ठीक ना। आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, आई थिंक उतना वो डार्क नहीं है ये, ठीक ना। रेस्पिरेशन भी हो रहा था। अब पता है आपको रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन जैसा कि हम लोग खुद करते हैं, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म बाहर से O2 लेता है इनहेलेशन के रूप में, उसके बाद उसको एनर्जी बनाता है, ठीक है, एनर्जी बनाता है, मतलब एनर्जी बेसिकली यूज़ करने के लिए रेस्पिरेशन करता है। उसके बाद फिर से वो क्या करता है, CO2 को एक्सहेल कर देता है, मतलब छोड़ देता है बाहर, ठीक ना। तो ये देखिए, यहाँ पे जो ऑक्सीजन निकला है ना, वही रेस्पिरेशन के यूज़ में चला जाएगा। दिन में ही जो CO2 के बाद जो O2 निकला, ठीक ना, तो यही O2 फिर रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन करेगा, वही प्लांट की रेस्पिरेशन में O2 का यूज़ हो जाता है। यहाँ पे O2 आ गया भैया, चलो O2 आ गया। अब बताओ, O2 जब कंज्यूम होगा तो बाद में क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, ठीक ना, CO2 फिर से निकल गया। अब देखिए, अब यही CO2 फिर से रीयूज हो जाता है फोटोसिंथेसिस में। मैंने क्योंकि बताया था कि एटमॉस्फेयर से क्या लेता है, प्लांट CO2 लेता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब बताओ, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो गया, अब ये कहाँ जाएगा, अब ये तो चला जाएगा फिर से ना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब देखिए, ये जो O2 निकला था पहले, बाद में O2 निकला था रेस्पिरेशन के दौरान, ये ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब आपको पता ही होगा, वैसे ही थियोरेटिकली पता है कि 21% ऑक्सीजन है, वैसे भी एटमॉस्फेयर में पर्याप्त है। उसके बाद प्लांट खुद करते हैं, और ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि जो ऑक्सीजन निकला है सारे रेस्पिरेशन में यूज चला गया, तो बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन होते हैं, बता दें आपको, ज़्यादा ऑक्सीजन होते हैं, तो कुछ चले जाए। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, अब वही कंपनी अगर एक महीने का अगर मान लीजिए 1 करोड़ कमाती है, तो क्या वो 95% पूरा अपने वर्कर को ही दे देगी अपना वेज, ये नहीं देगी ना। तो इसलिए सैलरी मतलब कि वो 95% ना देकर कुछ मतलब कि वही देगा, 20 या 30% देगा, और बाकी उसका कंपनी का प्रॉफिट होगा और उसका प्रॉफिट होगा ना। तो वैसे ही ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा निकलता है, और कुछ इक्का दुक्का चले जाते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन में उतनी ज़्यादा एनर्जी तो यूज़ होती नहीं एज अ प्लांट जितना कि ऑक्सीजन निकलता है दोपहर में, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे CO2 फिर से यहाँ पे चला जाता है। आप अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि फिर से जो ये CO2 था, ये किसके यूज़ में चला जाता है, ये चला जाता है यूज़ में फोटोसिंथेसिस के यूज में, फिर चला जाता है, ठीक ना। और O2 ज़्यादा अमाउंट में रहता है, तो एटमॉस्फेयर में इसका ही डोमिनेंस रहता है, ठीक। उसके बाद नाइट में क्या होता है, नाइट में आप सभी लोगों को पता है खाली रेस्पिरेशन होता है, क्या होता है, खाली रेस्पिरेशन होता है, ठीक ना। अब रेस्पिरेशन में आप सभी को पता है कि O2 का यूज़ होता है और बाद में निकलता है CO2, ठीक ना, जिसमें कि रेस्पिरेशन में एनर्जी बनाने का
यूज होता है रेस्पिरेशन, ठीक ना, तो CO2 निकलता है। अब क्या होगा, देखिए CO2 फिर बाद में कोई कंज्यूम करने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि अगर दोपहर की बात होती है तो CO2 फिर से फोटोसिंथेसिस में चला जाता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस रात में हो नहीं रहा है तो CO2 बेचारा बचा ही रहता है और यही रात को भूत बन करके निकलता है, कहता है कि आई एम हियर, ओके ये कहता है आई एम हियर, और रात को मेरे पास कोई सोना मत, नहीं तो अगर मैं किसी के अंदर चला गया ना तो बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं हार्मफुल होगा किसी के लिए, ठीक ना, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है अगर कोई ज़्यादा CO2 ले लेता है, एक्सहेल मतलब इनहेल कर लेता है, ठीक ना। तो आप सभी को पता होगा एज अ स्मोक कोई ले लेता है तो मतलब कि फैटर डिजीजेस उसको होने के चांसेस होते हैं, ठीक ना। तो आप ये कह सकते हैं कि CO2 बाद में रिलीज होता है, उसको कोई कंज्यूम करने वाला होता नहीं, तो यही बेचारा निकला रहता है रात में, और हमें कहा जाता है कि रात को प्लांट के नीचे सोया नहीं जाता है क्योंकि CO2 निकलता है। तो कैसा लगा प्रोसेस, आपको शायद आपको समझ में आया होगा क्योंकि बहुत ही अच्छे से कुछ इसको थियोरेटिकली मतलब टेक्निकली आपको भी बताया हूँ कि कैसे कैसे किस किस प्रोसेस में कैसे कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक ना। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, तो प्लीज़ अगर आई है मुस्कुरा करके एक लाइक कर देना, उसके बाद चैनल को नया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। वैसे ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जय हिंद जय भारत।